हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा लाइफस्टाइल एसेंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट एंटी डैंड्रफ शैम्पू। सो आज मैं आप लोगों के साथ दो एंटी डैंड्रफ शैम्पू शेयर करने वाली हूँ और ये शैम्पू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करने में। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ ये दो शैम्पू शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सेबा मेड, देन हम बात करेंगे जस्ट हर्ब्स। तो सेबा मेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको, अगर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है आपके स्कैल्प में, सो इसे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके हेयर को वेट करना है, पाम में लेना है और जस्ट आपका जो स्कैल्प है उसमें मसाज करना है, उसे आपको यूज़ करना है, उसके बाद आप उसे वॉश कर दीजिए। सो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। इसे 14 डेज यूज़ करने हैं। 14 डेज में ऑलमोस्ट 50% आपका जो डैंड्रफ है वो कम हो जाएगा। नॉर्मली मैं आपको इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज़ करने नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये जो सेबा मेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये बहुत ही हार्श शैम्पू है। यू नो, आप इसे अगर डेली यूज़ करते रहेंगे तो मे बी शायद हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो इस तरीके से हार्श शैम्पू जो होते हैं उसको आपको एक टाइम के बाद स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा शैम्पू है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा शैम्पू है। आप इसे 14 डेज अप्लाई कीजिए, 50% आपका डैंड्रफ रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपको यूज़ करना है ये जस्ट हर्ब्स। सो ये जो जस्ट हर्ब्स का शैम्पू है ये 100% आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल शैम्पू है। ये शैम्पू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये शैम्पू आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है और ये जो शैम्पू है ये सोया प्रोटीन शैम्पू है और ये शैम्पू आयुर्वेदिक डैंड्रफ कंट्रोल। दैट मीन्स कि मैंने आपको बोला कि ये सेबा मेड का अगर आप 14 डेज यूज़ करते हैं उसके बाद आपको इसे स्टॉप करना है। दैट मीन्स कि सेबा मेड का शैम्पू यूज़ करने के बाद 50% तक आपका जो डैंड्रफ है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ये जस्ट हर्ब्स का शैम्पू यूज़ करना है। ये शैम्पू मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ बिकॉज ये शैम्पू 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है और ये बहुत ही माइल्ड शैम्पू है। माइल्ड शैम्पू जो होते डेली भी यूज़ करेंगे तो भी उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटिन्यू आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विंटर सीजन है तो ऑब्वियसली आपके जो स्कैल्प है वो ड्राई होंगे, सो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कीजिए अपने स्कैल्प को एवरी नाइट एंड नेक्स्ट डे आप जस्ट हर्ब शैम्पू यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स माइल्ड शैम्पू, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसके इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है आंवला एंड नीम। सो जो आंवला एंड नीम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए और हमारे हेयर के लिए भी अच्छा होता है। सो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं विंटर में, जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस ये माइल्ड शैम्पू है जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल भी रिड्यूस होंगे और आपके हेयर को कुछ भी नुकसान भी नहीं होगा। सो इस तरीके से आप ये दोनों शैम्पू को आप विंटर सीजन में यूज़ कर सकते हैं और अपने स्कैल्प को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। बाय गाइस।